नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए कमाल के फ्रस्ट्रेटिंग एपिसोड में। आप देख रहे हैं टेक न्यूज का एपिसोड नंबर 500। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में ऑल बटन को टैप कर दें। धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है जापान से। यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आई है कि इंटरनेशनल ज्वाइंट रिसर्च टीम कार्य कर रही है जापान के अंतर्गत, ताकि वो एक नए मेमोरी को डेवलप कर पाए। वो जो मेमोरी हो ह्यूमन ब्रेन के सेम हो, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के जैसा ही हो। आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, फिलहाल के लिए जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी विकसित हो चुकी है और काफ़ी तेज रफ्तार से विकसित भी हो रही है। आपको तरह तरह का मेमोरी डिवाइसेस देखने को मिलता है, स्टोरेज डिवाइसेस देखने को मिलता है, लेकिन आजकल आपको कितना भी कमाल का सुपर कंप्यूटर देखने को मिले या फिर कोई भी कंप्यूटर देखने को मिले, फिलहाल के लिए जो ह्यूमन ब्रेन है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में मे भी ऐसा पॉसिबल हो कि इस प्रकार का कार्य किया जाए, यानी कि ऐसा आपको डिवाइस देखने को मिले जो एज अ ह्यूमन ब्रेन ही काम करता हो, ह्यूमन ब्रेन के जैसा ही वो हो। खैर, अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है भारतीय एयरटेल की तरफ से। अगर आप यूज़ करते हैं भारतीय एयरटेल को तो आपको बताना चाहूँगा, आपको दो नया प्लान देखने को मिला है। एयरटेल की ओर से दो नए प्रीपेड प्लान को लॉन्च किया गया है। एक का प्राइस आपको 279, एक का प्राइस है 379 INR। अगर 279 की बात करें तो आपको यहाँ पे 1.5 GB डेटा पर डे देखने को मिलेगा, 100 SMS भी देखने को मिलेगा पर डे, और आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिली जाती है। जो वैलिडिटी है वो आपको देखने को मिलेगा 28 डेज का। जो अगला प्लान है 379, यहाँ पर आपको 6 GB की डेटा देखने को मिल जाएगी, 900 SMS देखने को मिल जाएगा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ, और आपको यहाँ पे वैलिडिटी देखने को मिलेगी 84 डेज की। अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है फेसबुक और ब्राजील की तरफ से। ब्राजील की तरफ से फेसबुक को लेके एक रिपोर्ट निकल के आया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि ब्राजील गवर्नमेंट ने लगभग $1.6 million फाइन किया है फेसबुक के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने डेटा से रिलेटेड कुछ कार्य किया था, यानी डेटा वगैरह शेयर किया था। तो खैर, मुख्य रूप में बात करें तो फेसबुक के लिए काफी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ज किया गया है, फाइन किया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है साउथ कोरियन स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग की ओर से। रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सैमसंग CES 2020 में बहुत सारे नए कमाल के टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकता है, जहां पे आपको तरह तरह के कमाल के इनोवेशन देखने को मिलेंगे। वैसे यहां पे एक LED से रिलेटेड रिपोर्ट देखने को मिली है कि सैमसंग नए कमाल के अपने स्मार्ट TV को लॉन्च कर सकता है जो पूर्ण रूप में बेजललेस हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्राइस वगैरह क्या होता है और क्या कमाल की तकनीक यहां पे देखने को मिलती है। वैसे CES 2020 लास्ट वेजस में आपको इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है जियो की तरफ से, जियो। जी हाँ, बहुत दिन से रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि जियो अपने ई कॉमर्स पे भी कार्य कर रहा है, बहुत ही जल्द आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल सकता है जियो का। आखिरकार जियो ने अपने जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया। मुख्य रूप में यहाँ पे उद्देश्य होगा कि बेहतर से बेहतर सर्विस मुहैया करा पाए और साथ ही साथ जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, अमेजोन वगैरह है, उसको टक्कर दे पाए। यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको बहुत सारे ग्रोसरीज प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाती है, जैसा कि नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट को मंगाया, आप रिटर्न करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का बहुत सारा झंझट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर, कमाल की फीचर है। अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है डिजिटल पेमेंट को मद्देनजर रखते हुए। यहां पे हर एक कंपनी को अब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो। यहां पे रिपोर्ट निकल के आई है, अगर भारत के अंतर्गत इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है, अंतिम जो डेडलाइन है 31 जनवरी 2020 तक, तो फिर उनको 5000 पर डे के हिसाब से फाइन किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, उतना उनको एज अ पेनल्टी पे करना होगा, पेनल्टी उतना देना होगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारे ओर से दिया गया टेक न्यूज़ का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के टेक न्यूज़ एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।